बहुत लोगों की डिमांड है दिवाली में हमको इस बार काजू कतली घर पे बनानी है, तो बस मैं आ गई हूँ आप लोग के लिए काजू कतली की रेसिपी लेके। बहुत सिंपल रेसिपी है, पर जब भी कोई स्वीट बनाते हैं तो उसके मेजरमेंट्स जो होते हैं और स्पेसिफिकली जो शुगर सिरप बेस्ड जो भी स्वीट्स होती है तो शुगर सिरप में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसके जो स्ट्रैंड्स होते हैं, मतलब एक तार की चाशनी करनी है, दो तार की चाशनी करनी है, उसमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो बस आज बनाते हैं काजू कतली। जब भी हम चाशनी बनाते हैं तो उसमें हमेशा ऐसा होता है कि जितनी शक्कर होती है उससे ऑलमोस्ट आधा पानी डालते हैं, या कभी कभार गुजराती में मुझे याद है मेरी मम्मी बोलती है कि खांड डूबे इतलू पानी, मतलब शक्कर पूरी पानी में मिल जाए उतना ही पानी ऐड करना होता है। पर काजू कतली में ऐसा नहीं होगा, काजू कतली में जितनी शक्कर लेते हैं उतना ही पानी लेना है और उसको धीमी आंच पे इसका सिरप बनाना है और एक तार की चाशनी करेंगे। काजू कतली में सबसे बड़ा इश्यू जो होता है वो है काजू का जो पाउडर बनाते हैं, तो पाउडर बनाने में कितनी बार ऐसा होता है कि उसको ज़्यादा पीस लेते हैं तो उस वो अपना तेल छोड़ देता है। इसीलिए सेफर साइड ऐसा है कि जब भी काजू कतली बनानी है तो एक दिन पहले आप काजू को फ्रीज़र में डाल दो या फिर फ्रिज में डाल दो। आपके काजू जितने ठंडे होंगे तो उतने चांसेस कम हो जाएंगे इसके तेल छोड़ने के। तभी मैं ठंडे काजू ही ले रही हूँ, मैंने उसको कल रात को फ्रिज में डाल दिया था। ठंडा हो जाएगा उसके बाद उसका डो जैसा बन जाएगा। अभी आप इसमें से चाहे काजू कतली बनाओ, काजू रोल बनाओ, पर इसमें से अभी हम काजू कतली बनाएंगे। अभी मैंने एक वुडन सरफेस लिया है, उसको थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेंगे। बटर पेपर रख के अभी इसको बेल लेंगे। काजू कतली के लिए जितनी थिकनेस चाहिए उतना बेलना।